माय चैनल, आज हम बनाने वाले हैं झटपट उपमा की रेसिपी। बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनने वाला है। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अब उपमा बनाने के लिए हम चलेंगे हमारे किचन में। तो फ्रेंड्स, उपमा बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी सूजी ले ली है, जिसे रवा भी कहते हैं। उसी के साथ तड़का लगाने के लिए यहाँ पे हमने टमाटर लिया है, ये एक मीडियम साइज़ का टमाटर है। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसी के साथ हमने यहाँ पे हरे मटर ले लिए हैं, अगर आपके पास हैं तो आप डाल सकते हैं, अगर मटर का सीज़न नहीं है तो आप मटर स्किप कर सकते हैं। उसी के साथ हमने यहाँ पे प्याज काट लिया है, ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसे रफली चॉप कर लिया है। साथ में हरी मिर्च भी डाल रहे हैं, आप चाहें तो इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर। फिलहाल मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला, कोई बात नहीं। उसी के साथ हमने यहाँ पे सिंगदाना ले लिया है, सिंगदाने को पहले से भून लिया है। अगर आपके पास भुना हुआ सिंगदाना नहीं है तो उसे आप तड़के के साथ भी भून सकते हैं, मैं बताऊंगी किस तरीके से। तो वही जो एक कटोरी हमारे पास सूजी और रवा था उसे हम भून लेंगे इस तरीके से। कढ़ाई हमारी बिल्कुल गर्म थी और इसे अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है, थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक आप इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स, हमारी सूजी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुकी है। अब हम तड़का लगाने के लिए उसी सेम कढ़ाई में गरम तेल में सबसे पहले प्याज और हरी मिर्च डाल रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप चाहें तो इसमें पहले कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, राई भी डाल सकते हैं, जीरा भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। मैंने फिलहाल स्किप किया है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो भी इन्ग्रीडियंट्स आपको पसंद है। और अगर आपका जो सिंगदाना है वो भुना हुआ नहीं था तो प्याज वगैरह डालने से पहले आप सिंगदाना भून लीजिए, उसके बाद उसमें प्याज डाल के उसे भी आप भून सकते हैं। इस तरीके से शॉर्टकट में बन जाता है, अलग से भुनना नहीं पड़ता है, वो भी आप कर सकते हैं। मेरे पास भुना हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्याज डाले हुए हैं। प्याज को हल्का सा हमें भुनना है, ज़्यादा नहीं। उसी के साथ मैंने यहाँ पे मटर डाल दिए हैं। मटर हम पहले इसलिए डाल रहे हैं ताकि प्याज के साथ वो भी अच्छी तरीके से पक जाएँ, गल जाएँ। अगर आप लास्ट में डालते हैं मटर तो वो अच्छी तरीके से गलेंगे नहीं, तो आप चाहें तो प्याज के साथ ही इसे ऐड कर सकते हैं। अब दोनों चीज़ों को हमें एक साथ भुनना है इसी तरीके से जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। उपमा, पोहा वगैरह ऐसी डिशेस है जिसमें हम प्याज टमाटर वगैरह जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं भूनते, उन्हें हल्का फुल्का भूनते हैं, खाली पिंक होने तक। वो सॉफ्ट भी होने चाहिए, थोड़े से पक भी जाने चाहिए, इस तरीके से हमें भूनना है। जैसे ही आपकी प्याज हल्के से भून जाए तब आप इसमें टमाटर ऐड कर लीजिए। टमाटर अगर आपको पसंद नहीं है उपमा में तो स्किप कर सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों के अलावा और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्जियां वगैरह, पत्ता गोभी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप उपमा के साथ। बट फिलहाल मैंने यहाँ पे एकदम सिंपल उपमा किस तरीके से बनाया जाए जो बहुत ही ईजी हो और बहुत टेस्टी हो, उस तरीके से आपको करना है। चलिए, हमारा मसाला जो है अच्छी तरीके से भुन रहा है, भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सिंगदाना हमारा भुना हुआ, इसे भी इस तरीके से हम पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास भुना हुआ सिंगदाना नहीं है तो आप प्याज से पहले डालकर उसे भी भून सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमारी जो भुनी हुई सूजी थी, जो रवा था, उसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपकी जो सूजी है उससे 4 गुना पानी हम यूज़ करते हैं उपमा बनाने के लिए। कुछ लोग 3 गुना पानी भी डालते हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना पानी इसमें ऐड करना है। इस स्टेज पे जब आपके सारे मसाले पक जाएं तब मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ नमक डालते हैं। तो आप भी इसमें स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद आपने जो एक बड़ा वाला बॉल सूजी जो भून के रखी थी, देखिए ज़्यादा नहीं भूनी थी, पहले वो एकदम सफ़ेद थी और बाद में उसका कलर थोड़ा सा ऑफ वाइट हो गया था, यानी क्रीमी सा कलर हो गया था, वैसे ही आपको भूननी है। भुनी हुई सूजी को आपको इस तरीके से डालना है आपके मसाले में, प्याज टमाटर में, और उसके ऊपर से इसमें पानी डालना है। पानी मैं यहाँ पे 4 गुना पानी यूज़ करने वाली हूँ। जब ये उपमा बनके तैयार हो जाएगा तो आप देख पाएंगे कि 4 गुना पानी डालने से उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, कितना वो ड्राई होता है या कितना वो वेट होता है। अगर आपको कम ज़्यादा लगता है तो आप पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ड्राई टेक्सचर आने के लिए आप क्या कीजिए, सिर्फ 3 गुना या 3.5 गुना ही पानी डालिए। मैं फ़िलहाल थोड़ा सा ये वेट टाइप का बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने 4 गुना पानी इसमें ऐड किया है। पानी बहुत सारा सोक कर लेती है जो सूजी होती है अपने अंदर, इसलिए इसमें पानी इन डालना बहुत ज़रूरी है। पानी डालने के बाद आपको इसे अच्छी तरीके से भुनना है जब तक कि आपका जो वाटर है बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, सूजी जो है सारा अंदर पानी ना सोख ले, और जब तक आपकी सारी जो उपमा है बहुत अच्छी तरीके से पक ना जाए तब तक आपको इसे इसी तरीके से भुनना है। आप इस स्टेज पे अपनी जो गैस की फ्लेम है उसे हाई कर सकते हैं, और जब आप थोड़ा थोड़ा भुनने लग जाए तब आप चाहें तो उसे स्लो या मीडियम भी कर सकते हैं। देखिए, इसी तरीके से बहुत झटपट तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक्चुअली ये पानी जो है ये सूख नहीं रहा है, ये पानी जो है सूजी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे पकने में, बहुत ही आसानी से इजीली ये पक जाएगी। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए मतलब आपका उपमा बनके बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए।